डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेल्स। एमए ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लेसन नंबर 2, आई एंड माई फैमिली। बेटा, हमने इसके आई एंड माई फैमिली की इन्फोर किया, उसके बावजूद हमने पार्ट सेकंड में डिफिकल्ट वर्ड को इजी लैंग्वेज में राइट किया। थर्ड पार्ट हमारा आंसर दिस क्वेश्चन था। आज हम करेंगे बेटा कि ट्रू फॉल्स। पार्ट 4 में क्या रहेगा अपना? ट्रू फॉल्स, यानी कि जो बात सही है, मतलब कि या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, टिक द करेक्ट वर्ड, कि जो सही वर्ड है ना उसके ऊपर टिक करना है। कि इसमें कुछ मतलब सेंटेंसेस दिया हुआ है, उसमें आपको दो ऑप्शनल दिए हैं, उसमें से जो सही है उसके ऊपर क्या करना है अपने को बेटा? टिक। क्या करना बेटा? टिक। देखो फर्स्ट क्या, रेखा हैज एन एल्डर, कि मतलब रेखा का कौन था? रेखा हैज एन एल्डर ब्रदर या सिस्टर, मतलब कि रेखा का बड़ा भाई था या बहन थी। एल्डर मीन क्या था बेटा? बड़ा। तो हमने रेखा ने जब अपनी फैमिली की इन्फोर किया था, तब हमने पढ़ा था कि ना रेखा हैज एन एल्डर ब्रदर था ना उसका बड़ा भैया। वो कौन सी कक्षा में बेटा पढ़ता था? थर्ड क्लासेज में। कौन सी में? थर्ड क्लासेज में। और रेखा सेल्फ कौन सी क्लासेज में पढ़ती थी? फर्स्ट क्लासेज में। रेखा इज 6 या 8, मतलब कि दो वर्ड दे रखे बेटा, उसमें से आपको जो करेक्ट है वही चूज करना है। ईयर ओल्ड, मतलब रेखा खुद कितने साल की थी? आप कितने के हो? 6 के। तो आपने क्लासमेट थी ना रेखा, तो कितने की आएगी? 6 ईयर्स ओल्ड। रेखा 6 वर्ष की है। रेखा मदर इज टीचर या हाउसवाइफ, आपको ऑप्शन दिया कि बेटा रेखा की मदर है ना वो एक टीचर है या हाउसवाइफ है, हमें चूज करके बताना है। हमें लेसन के अंदर पढ़ा था कि रेखा मदर इज ए हाउसवाइफ, हमने पढ़ा था ना रेखा की माता घर का काम करती है, हमने इसको वर्ड मीनिंग के अंदर भी जाना था। तो रेखा मदर इज ए हाउसवाइफ। रेखा स्टडी इन क्लास, ये बच्चा कि रेखा कौन सी क्लास में पढ़ती थी बेटा? बताओ, वो अपनी क्लासमेट थी। हम कौन सी क्लास में? फर्स्ट में। तो रेखा स्टडीज इन क्लास फर्स्ट, कौन सी क्लास में? फर्स्ट क्लास में। रेखा इज यंगर या एल्डर टू हर ब्रदर, यंगर मीन क्या होता है बेटा? छोटा छोटा, और एल्डर मीन होता है बड़ा। तो रेखा अपने भाई से क्या थी, छोटी या बड़ी? यंगर थी ना, छोटी थी ना रेखा अपने भाई से। रेखा का जो ब्रदर था, रेखा हैज एन एल्डर ब्रदर, रेखा का एक बड़ा भाई है, मतलब ये ना। तो रेखा इज यंगर टू हर ब्रदर, तो मतलब रेखा अपने भाई से छोटी है। इस तरह से बेटा ये आपको टिक द करेक्ट वर्ड राइट इन द नोटबुक्स। इफ यू एनी प्रॉब्लम प्लीज सेंड मी मैसेज। थैंक्स, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।